লাইখা আমা ত্রিপুরেশ্বরী নোয়াং খুলু মাহরো বিনিহাও বচাই ওই তিনিনি তাং থকমা জোরাওয়াং মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য নখুলুখ মঙ্গো ইয়াভারো ত্রিপুরাও বিজেপি হাফাং নো তুবুমা বাগাই যত লুকুরোকন আনি খানি হামচকমা ইয়াভারো আজ ত্রিপুরা মে ফির সে একবার দিওয়ালি আই হ্যায় বিকাশ কা দীপ এক নয়া উমঙ্গ নয়া উৎসাহ আর নয়া বিশ্বাস পেদা হুয়া হ্যায় মে আজ মুখ্যমন্ত্রী জি উপমুখ্যমন্ত্রী জি আর উনকি পুরি নই টিম কো বহুত বহুত বধাই দেতা হুঁ আর উনকো ত্রিপুরা কে সামান্য মানবী কে সপনো কো পুরা করনে কে লিয়ে ঈশ্বর শক্তি দে হাম সব উনকো হৃদয় সে বহুত বহুত শুভকামনায় দেতে হ্যায় হিন্দুস্তান কি রাজনীতি মে কুছ চুনাব এসে হ্যায় জিসকি ইতিহাস মে লম্বে আরসে তক চর্চা হতি রহতি হ্যায় চুনাব আপনে আপ মে ভারত কে লোকতন্ত্র কে এক বিশেষ পহলু কো উজাগর করতে হ্যায় দেশ কে এসে গিনে চুনে কুছ চুনাব হ্যায় আব ত্রিপুরা উন গিনে চুনে চুনাবো মে এক সিরমোর বন গয়া হ্যায় জিসকি আনে ওয়ালে দিনো মে ইতিহাস মে চর্চা হতি রহেগি লোক উসমে সে কুছ না কুছ নয়ে অ্যানালিসিস করতে রহেঙ্গে আর ইয়ে ইতিহাস রচা হ্যায় ত্রিপুরা কে জাগরুক নাগরিক ভাই ও বহনো নে আর ইসলিয়ে মে সবসে পহলে জব আজ আপকে বীচ মে আয়া হুঁ শান্তিপূর্ণ তরিকে সে চুনাব কি পুরি প্রক্রিয়া কো আপকে সহযোগ কে বিনা সম্ভব নহীঁ থা আর ইসলিয়ে হর ত্রিপুরাবাসী অভিনন্দন কা অধিকারী হ্যায় মেরি তরফ সে আপকো বহুত বহুত বধাই আর উত্তম কার্য কে লিয়ে আপকা ধন্যবাদ মে ত্রিপুরাবাসিও কো বিশ্বাস দিলানা চাহতা হুঁ কি জিনোনে হমে ভোট দিয়ে হ্যায় ये सरकार उनके लिए भी है और जिन्होंने हमें वोट नहीं दिए हैं ये सरकार उनके लिए भी है चुनाव समाप्त हो गया हम लोगों के लिए त्रिपुरा का हर नागरिक हमारा है त्रिपुरा की हर समस्या का समाधान का प्रयास ये हम सबका सामूहिक दायित्व है और उसको हम पूरी तरह निभाने का प्रयास करेंगे इस चुनाव में जो विधायक चुन करके आए हैं चाहे वो सत्ता पक्ष से चुन करके आए हो चाहे विपक्ष से चुन करके आए हो ये सभी जनप्रतिनिधियों को भी मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं
और वे सभी मिलकर के त्रिपुरा के विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। मैं विशेष रूप से जो बंधु विपक्ष में चुन करके आए हैं उनको भी आग्रह करूंगा कि आपके पास एक लंबा तजुर्बा है, शासन में आपने लंबे अरसे तक काम किया है, आपके पास अनुभव है। हमारी जो नई टीम आई है वो एकदम से फ्रेश है, नई है, उम्र में भी बहुत छोटे हैं। जो विपक्ष में है उनके पास अनुभव है, जो सत्ता पक्ष में आए हैं उनके पास उत्साह है, उमंग है, सपने हैं, त्रिपुरा के लिए खप जाने का इरादा है। ये दोनों शक्तियां मिलकर के त्रिपुरा को आगे बढ़ाएं, आप देखते ही देखते त्रिपुरा नई ऊंचाइयों को पहुंच जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नॉर्थ ईस्ट के चुनाव, ये चुनाव क्या कारण है कि पूरे देश में इस चुनाव की चर्चा हुई? क्या कारण है कि पूरे देश में इस चुनाव नतीजों का स्वागत हुआ? क्या कारण है कि हिंदुस्तान के हर कोने में नॉर्थ ईस्ट की गूंज बजने लगी? और मैं मानता हूं ये चुनाव की सबसे बड़ी सिद्धि यही है कि इस बार के चुनाव के बाद हर हिंदुस्तानी को नॉर्थ ईस्ट के प्रति अपना एक विशेष लगाव प्रकट करने का मौका मिला है। ये देश की एकता के लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन गया है। मैं अनुभव कर रहा हूं हिंदुस्तान में शायद आजादी के बाद इतने प्रधानमंत्री होकर गए, सब मिलाकर के जितनी बार नॉर्थ ईस्ट आए होंगे उससे ज्यादा मैं अकेला 25 बार से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट में आया। ये चुनाव के हिसाब किताब से नहीं किया है, मेरे देश के वासी दूर सुदूर हैं, उनको लगना चाहिए भारत उनके लिए है, भारत उनकी चिंता करता है। हर नागरिक को लगना चाहिए वो भारत माता की जय बोलता है, उसकी अनुभूति भी उसको होनी चाहिए। और पिछले 4 साल के प्रयासों ने हर नॉर्थ ईस्ट के नागरिक के दिल में, हर हिंदुस्तानी उसके साथ इमोशनल जुड़ा हुआ है, इसकी अनुभूति हुई है। ये देश की बहुत बड़ी नई ताकत है। ये बात सही है, यहां संभावनाएं बहुत है, विकास के लिए अवसर बहुत है, और इसलिए हम लोगों को जहां जहां सेवा करने का मौका मिला है, सरकारें बनाने का अवसर मिला है, विकास यही हमारी प्राथमिकता रही है। गुड गवर्नेंस पर हम बल देते हैं, सबका साथ सबका विकास, पीपल्स पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जन भागीदारी से जनतंत्र, इस मंत्र को लेकर के हम चलते आए हैं। और त्रिपुरा वासी भी अनुभव करेंगे कि आपकी अपनी सरकार, लोकतंत्र के अधिष्ठान पर चलने वाली सरकार, जन जन की भागीदारी के साथ चलने वाली सरकार कितनी तेज गति से परिणाम लाती है वो आप भी अनुभव करेंगे। मैं त्रिपुरा वासियों से आग्रह करूंगा, आइए हम मिल बांट करके एक एक समस्याओं का समाधान करते हुए हम त्रिपुरा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, एक नए विश्वास से ले जाएं, और पिछले कई वर्षों में जो न हुआ हो उससे भी अच्छा करने का प्रयास करें।
ये त्रिपुरावासी की जिंदगी बदलने में बहुत काम आएगा, ये मेरा विश्वास है। मैं आज त्रिपुरा की जनता को विश्वास देना चाहता हूं, मैं यहां के सभी नए चुने हुए विधायकों को विश्वास देना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनी हुई नई सरकार को विश्वास देना चाहता हूं कि विकास की यात्रा में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बैठी है, आपने हमें जो सेवा करने का मौका दिया है, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करते हैं। सरकार किसी की भी क्यों न हो, किसी की दल की क्यों न हो, लेकिन जनता किसी दल की नहीं होती है, जनता जनार्दन तो देश की होती है। और उसी मंत्र को लेकर के हम काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी गंगा के घाट पर जाने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई छोटा बर्तन लेकर के जाए तो उतना ही गंगा जल लेके आता है, कोई बड़ा बर्तन लेके जाए तो ज्यादा गंगा जल लेकर के आता है। त्रिपुरा के अंदर अगर सरकार तेज गति से चलेगी तो आपको जितनी आवश्यकता होगी भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ चलेगी। आपके सपने ये हमारे भी सपने होंगे, आपके इरादे उसको पूरा करने के लिए हम भी उतनी ताकत लगाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप पूरे त्रिपुरा वासियों को आज एक फिर दिवाली आप मना रहे हैं, तब विकास का नया दीप जला रहे हैं, तब बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, नई टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सभी विधायकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, यहां की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टीम और हमारे साथी दल के कार्यकर्ताओं की टीम, उन सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देते हुए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको प्रकट करता हूं। और मुझे विश्वास है कि जिस सपनों को लेकर के आपने सरकार बनाई है उसको हम पूरी तरह पूरा करेंगे। समस्त त्रिपुरावासी आमी आभार आपना देर असंख्य धन्यवाद जनाए ओबो शेषे आपनारा पाल्टी आई दिलेन जे उन्नयनेर रास्ताय आपनारा पा रेखे चेंतुन आमी विश्वास कोरी सरकार आपना देर शाय लखे पहुंचे देवे। आपना देर उज्जवल भविष्य देर जन्ने शुभेच्छा जानाई। बहुत बहुत धन्यवाद।